साल सब्जी लाइव देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री को लेकर भाजपा में माथापेची जारी है। पद बड़ा है, बवाल भी बड़ा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री की दौड़ में कई नाम शामिल है। इस सभी नाम में रेणुका चौधरी सब पर भारी पड़ती दिख रही है। रेणुका भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज कर चुकी है। आदिवासी समाज की एक बहुत बड़ी महिला नेत्री के तौर पर मानी जाती है। एक बड़ा चेहरा है उनका, बड़ा नाम है। इनके पास राजनीतिक अनुभव भी है। ये उस सरगुजा संभाग क्षेत्र से आती हैं जहां की 14 सीट भाजपा ने जीत दर्ज कर ली है, जहां की 14 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज कर ली है। विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने से पहले तक छत्तीसगढ़ की इकलौती केंद्रीय राज्य मंत्री, इकलौते केंद्रीय राज्य मंत्री थी। अब उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में क्यास लगाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की कमान रेणुका सिंह को सौंप दी जा सकती है। दरअसल भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए ही छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इसमें जातीय समीकरण को बिठाया जा रहा है। भाजपा के इस समीकरण में रेणुका सिंह पूरी तरह फिट बैठ रही है। इसकी मुख्य वजह रेणुका एक आदिवासी चेहरा के साथ ही महिला नेत्री भी है। भाजपा के विधानसभा के इन चुनावों में महिलाओं की अच्छी खासी तादाद में वोट मिली है। अब इस वोट बैंक को आगे जोड़े रखने के लिए छत्तीसगढ़ में महिला मुख्यमंत्री पर दावा लगाने की पूरी तरह आसार है। वैसे छत्तीसगढ़ में रेणुका सिंह के अलावा कई अन्य नाम भी मुख्यमंत्री के दौर में चल रहे हैं। इसमें राम विचार नेताम जो 5 बार के विधायक हैं और केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इसी तरह विष्णुदेव साय जो इस बार कुकनरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं और 3 बार रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उनका भी नाम राजनीतिक गलियारों में मुख्यमंत्री के लिए चल रहा है। छत्तीसगढ़ के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण उत्सव और प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह भी मुख्यमंत्री की रेस में बने हुए हैं। हालांकि इन सभी नाम पर रेणुका सिंह भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन अंतिम निर्णय भाजपा के आला कमान को ही लेना है कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए, किसके सर पर ताज सजाया जाए। भाजपा द्वारा निर्वाचित विधायकों का मंतव्य जन के लिए शुक्रवार यानी आज पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद ही मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मोहर लगेगी। खैर रिपोर्ट यहीं तक, फिर से रिपोर्ट के साथ होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।